बेटा प्रोफेसर मलिक इकबाल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, मेरे बेटे हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की हुई है और कल तक हमने क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर हमने 8 से पहले जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 और 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो टर्म है टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 4 या फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 3 एक्स की पावर -2 जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें वो कहते हैं सबसे इस साइड पे लिखा है, इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो बेटा इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है, वहां तो एक्स की पावर -2 आता था, एक्स की पावर 4 आता था, एक्स की पावर 5 आता था, वाई की पावर -2 ए की पावर 4 इस टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया तो मतलब कि यहाँ पे एक्स की पावर हमने क्या लेना है। बेटा बाकी क्वेश्चन एज इट इज करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये होगा कि एक्स की पावर हमने 0 कंसीडर करनी है। जब आप लोग एक्स की पावर 0 कंसीडर करेंगे तो ये क्योंकि एक्स की पावर 0 होगा तो टर्म 1 हो जाएगी, एक्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। मीन्स दैट जिस जगह आपने एक्स की पावर -2 वाला क्वेश्चन किया, एक्स की पावर 4 वाला क्वेश्चन किया, जब आप उनको मल्टीप्लाई करके जो पावर आती थी एक्स की उसको -2 के ऊपर लिखते थे या 4 के ऊपर लिखते थे या ए की पावर 4 थी 4 के ऊपर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वो जो पावर आएगी एक्स की उसको हमने 0 के ऊपर लिखना है और 0 के ऊपर लिखने के बाद वहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी है और वापस क्वेश्चन में क्या करना है पुट करना है। ये बेटा क्वेश्चन कल के लेक्चर से रिलेटेड। आज के टॉपिक जो है हमारे पास वो टॉपिक है मिडिल टर्म का, कि मतलब कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसकी मिडिल टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बेटा मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि उस जो भी हमारे पास कोई भी टर्म है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई एक्सपेंशन है, उसकी पावर क्या है। पावर पे डिपेंड करता है बेटा, दो तरह की मिडिल टर्म्स आती हैं, अगर पावर इवन हो और अगर पावर ऑड हो। अगर पावर इवन होगी तो उसकी एक मिडिल टर्म आएगी और अगर पावर ऑड हुई तो उसकी दो मिडिल टर्म्स आएंगी। क्या मतलब बेटा, अगर सपोज है कोई भी क्वेश्चन है उसकी पावर 12 आ रही है तो उसकी एक मिडिल टर्म आएगी, अगर उसकी पावर ऑड आ रही है मींस दैट 11 आ रही है, 9 आया, 7 है, तो उसकी बेटा दो मिडिल टर्म्स होंगी। अब हम मिडिल टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला आप लोगों के सामने गिवन है। अगर हमारे पास बेटा पावर हो इवन तो उसकी मिडिल टर्म कौन सी कहलाएगी, एन बाय 2 प्लस 1। क्या मतलब, एन बाय 2 प्लस 1 जो भी पावर है, सपोज दैट पावर क्या है 12, तो क्या करेंगे बेटा 12 बाय 2 प्लस 1 6 प्लस 1 7 टर्म उसकी क्या कहलाएगी, मिडिल टर्म कहलाएगी। मीन्स दैट पिछले जो क्वेश्चन बनने हमारे पास 8 था जिसमें हमने 6 टर्म फाइंड आउट की थी, उस मुताबिक हमने क्या करनी है 7 टर्म फाइंड आउट करनी है। वही पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू x की और पावर क्या कहलाएगी n और r, वहां पे हम क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे। इसी तरीके से अगर पावर जो है ऑड है तो फिर दो मिडिल टर्म्स होंगी। मिडिल टर्म्स दो कैसे होंगी, एक n प्लस 1 बाय 2 और एक n प्लस 3 बाय 2। बेटा इसमें थोड़ा सा फर्क देखिएगा, इसमें n बाय 2 प्लस 1 है, n बाय 2 प्लस 1 है, जबकि यहां पे n प्लस 1 बाय 2 एंड n प्लस 3 बाय 2। सो यहां पे कितनी मिडिल टर्म्स आएंगी, दो मिडिल टर्म्स आएंगी। सो मेरे बेटा जो मिडिल टर्म पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, आया कि 6 है, 7 है, 8 है, जब हमें पता चल जाएगा कि ये मिडिल टर्म है तो फिर बेटा वही टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे और उसको फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 8 में सॉल्व किया था। चलते हैं जी बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, इसका सेकंड पार्ट हमने लिया जिसकी पावर क्या थी ऑड। अब उसको क्या करेंगे, 3/2x -1/3x पावर 11। पावर देखिए 11 में 11 क्या है, ऑड है, ऑड होने की वजह से इसकी मिडिल टर्म्स कितनी आएंगी, दो। कौन कौन सी, यहां पर लिख रहा हूं n = 11 इज ऑड, सो द मिडिल टर्म आर n / n + 1/2, n क्या है यहां पे 11 है, 11 + 1 / 2, 11 + 1 12, 12 / 2 6। मींस दैट a इसकी मिडिल टर्म जो है वो क्या कौन सी आएगी, 6 मिडिल टर्म होगी 6, एंड सेकंड मिडिल टर्म कौन सी होगी, फार्मूला क्या है n + 3/2, यहां पे क्या लिखा है n +
बाय टू, एन क्या है 11 प्लस 3 बाय टू, 11 प्लस 3 14, 14 बाय टू सेवंथ टर्म, मींस दैट इसकी सेवंथ टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म कहलाएगी। अब मेरे बेटे दो मिडिल टर्म्स आती हैं, एक सिक्स्थ मिडिल टर्म है, एक सेवंथ मिडिल टर्म है। अब हमने सिक्स्थ भी फाइंड आउट करनी है, सेवंथ भी फाइंड आउट करनी है, मींस दैट सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। सिक्स्थ टर्म के लिए आर को हमें 5 चूज करना पड़ेगा और सेवंथ टर्म के लिए आर को हमें 6 चूज करना पड़ेगा। चलते हैं जी बेटा क्वेश्चन की तरफ। मैं लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म, पहले मिडिल टर्म के लिए बेटा फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू एक्स, एन इज इक्वल टू 11 और आर इज इक्वल टू 5। आर 5 क्यों चूज कर रहा हूं? आर 5 इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी हो आर उसमें से एक कम लेट करते हैं। अब tr plus 1 mcr a की पावर m minus r x r dm r plus क्या है फार्मूला है। अब बेटा जस्ट फार्मूले के अंदर क्या पुट करनी है, वैल्यू 11 c5 3 by 2 x की पावर 11 minus 5 minus 1 by 3 x की पावर 5। फार्मूला ऊपर लिखिए 11 factorial by 5 factorial 11 minus 5 factorial 3 by 2 x की पावर 11 minus 5 6 और minus 1 by 3 x की पावर 5। 11 factorial 5 factorial 11 minus 5 6 factorial 3 की पावर 6 729, 2 की पावर 6 64, x की पावर 6 पावर 8 भी 8 में कुछ जैसे क्या बदल रहा है माइनस 243 x की पावर 5। नेक्स्ट टाइम बेटा 11 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 11 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल तक गए, तो नीचे भी 6 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल की जहां पे सॉल्व किया 5 4 3 2 1 और इसको 729 और 243 को कैंसिल आउट किया तो रिजल्ट क्या आया कि ये माइनस पहले वाला है और नीचे क्या आ गया 64, ये x की पावर 6 था, x की पावर 5, x की पावर क्या हो गया 11। बेटा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल किया, 2 और 4 8, 8 से कैंसिल कर दिया, 5 टू 10 ये कैंसिल हो गया, सो नीचे वाली टर्म सारी क्या होगी कैंसिल, ऊपर क्या बचा 11 2 3 एंड 7, इसको मल्टीप्लाई किया 462 माइनस 3 बाय 64 x की पावर 11। बेटा 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 32 बन गया, ये 231 माइनस 3 x की पावर 11, उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 693 बाय 32 x की पावर 11। सो फर्स्ट मिडिल टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, काम वही वाला है, जस्ट यहां से हमें पता रखना है कि कौन सी मिडिल टर्म बनती है। सेकंड मिडिल टर्म यहां पे कौन सी है, सेवंथ है, मतलब फॉर सेकंड मिडिल टर्म वैल्यू सेम रहेगी, a 3 बाय 2 x, x माइनस 1 बाय 3 x, n इज इक्वल टू 11, ये थ्री वैल्यूज क्या रहेंगे सेम, लेकिन r चेंज हो जाएगा। यहां पर हमने सिक्स टर्म फाइंड आउट कर ली थी तो r को 5 लिया, और सेकंड टर्म जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो 7 है, तो उसके लिए r को हमें क्या लेना पड़ेगा 6। बिल्कुल बेटा इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज दोबारा पुट करेंगे, t 6 plus 1 11 c 6 3 by 2 x की पावर 11 minus 6 minus 1 by 3 x की पावर 6। अब बेटा ये क्या बन गया 11 factorial over 6 factorial 11 minus 6 factorial 3 by 2 x की पावर 5 एंड माइनस 1 बाय 3 एक्स की पावर 6। अब बेटा इसको ओपन किया रिजल्ट क्या आया 5 462, ये 3 की पावर 5 बाय 2 की पावर 5 32 एक्स की पावर 5, पावर क्या है इवन है, इवन की वजह से रिजल्ट क्या आएगा प्लस हो जाएगा 1 बाय 3 की पावर 6 एक्स की पावर 6। ये कैंसिल कर दिए, ये 3 की पावर 5 थी, ये 3 की पावर 6 कैंसिल हो गई, एक 3 बच गया, ये 32 आ गया, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 6 क्या बन गया एक्स की पावर हमारे पास 11। 3 को बेटा क्या किया कैंसिल आउट किया किसके साथ, 2 को कैंसिल आउट किया 462 के साथ, क्या बन गया 231 बाय 16। अब 3 अगेन कैंसिल आउट होता था तो 3 को अगेन कैंसिल आउट किया तो रिजल्ट क्या आया 77 बाय 16 एक्स की पावर 11। सो मेरा बेटा इस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने मेरे बेटे इस क्वेश्चन में क्या करना है सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म देखनी है, आया कि मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, मिडिल टर्म 6th आ रही है, 7th आ रही है, 8th आ रही है, जो भी मिडिल टर्म आ रही हो वो डिपेंड करेगा पावर पे, पावर इवन है अगेन रिपीट कर रहा हूं कि n by 2 plus 1 और अगर पावर ऑड है तो देन दो टर्म्स आएंगी n plus 1 by 2 n plus 3 by 2, जो भी मिडिल टर्म आप लोगों को फाइंड आउट हो जाए 6 7 8 9 जो भी हो आप लोगों ने r उसमें से एक लेस कर देने, 8 होगी तो r 7, 7 होगी तो r 6, 6 होगी तो r को 5 चूज करके आप लोगों ने टर्म के फार्मूले के अंदर वैल्यू सारी क्या करनी है पुट करनी है और उसके बाद बेटा आप अपने टर्म्स क्या कर लेनी है फाइंड आउट कर लेनी है। आई होप सो कि मेरा बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने
मैथमेटिक्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो उनको सॉल्व करना है और एज ए असाइनमेंट उसको मुझे बेटा सेंड भी कर देने ग्रुप के अंदर। मिलते हैं जी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।